इस बार तो गुलाबों की फूल की बहार हुई थी। मैं थोड़ा सा मंगाया था बट इतना ढेर सारा आ गया। और मेरी देव दिवाली खूब अच्छी तरह से मनी, दो प्लेटों में गुलाब ही गुलाब, और घर पे भी गुड़हल लग गया था मेरे भगवान जी के लिए। रोहित भैया थैंक्स फूलों के लिए। रेड रोज़ मुझे बहुत पसंद है और इसमें खुशबू बहुत थी। पूरा मंदिर कमरा महक रहा था और हाथों में भी खुशबू खुशबू आ रही थी। जितनी बार मैं पकड़ूं उतनी बार खुशबू आ रही थी। पूजा मेरी बहुत अच्छी होगी, आज मेरा फास्ट भी है। और सामने गणेश जी को जो गुड़हल चढ़ाया है वो मेरे प्लांट में लगा हुआ था। इस बार हर बार ये भगवान जी के लिए लग जाता है। इस बार मेरी देव दिवाली खूब अच्छी हो गई क्योंकि मुझे रेड रोज़ पसंद है और हर भगवान पे रेड रोज़ चढ़े हैं, हर भगवान पे रेड रोज़ चढ़े हैं। और तुलसी में भी दिया बत्ती आरती की और टीका लगाया। यहाँ भी मैंने गुलाब चढ़ाया, हर देवी देवता में गुलाब चढ़ाया मैंने। ये सुबह की आरती, अभी शाम की तैयारी। दिए रोहित भैया से मंगवा लिया था, बस दो दो करके जलाया। ये देखो इतने फूल अभी मंदिर के लिए हैं। अभी मैं मंदिर जाऊंगी, थोड़े लेट हो गई थी, गेस्ट आ गए थे। टाइमिंग तो ऐसे 7:45 समथिंग 7:45 था, बट कोई बात नहीं, पहले घर में दिया करी किया मैंने। बस दो दो दिए जलाए पहले, दरवाजे में प्लांट के नीचे रखे। ये निहारिका ने बनाया था स्टिक से, आइसक्रीम स्टिक से, इसके ऊपर मैंने दिया रख दिया। अब कैसा लग रहा बताओ, ये मैंने ड्राइंग मैंने की है। वेलकम टू माय गार्डन, बड़े मनी प्लांट है। ये भी निहारिका ने बनाया था। बस दो और चार दिया जलाया, फिर मैंने हर दरवाजे के सामने रख दिया। ये बाहर का दरवाज़ा, ये मेरा किचन, फिर ये मेरे कमरे का। बस अब मैं चल दी बाहर मेरे प्लांट के साइड। फिर यहाँ भी मैंने कुछ, ये निहारिका ने बनाया, ये भी निहारिका ने कॉसीज वर्ड लिखा है टूथपिक से। थैंक यू निहारिका। और मैंने अपने सारे प्लांट को सजा दिया। ये स्वर्णिका वालों ने गिफ्ट किया था धनतेरस के दिन। थैंक यू स्वर्णिका। और दूसरा वाला अभी दिखाती मैं, ये दूसरा स्वर्णिका मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। थैंक यू स्वर्णिका। ये मेरे प्लांट देखो, जेट प्लांट इतना बड़ा हो गया। अरे देखिए बुद्धा के पास कहीं कहीं मैंने दिए रख दिए जिससे ये गिरे नहीं। ये भी निहारिका ने स्टिक से बनाया था। अभी देखो कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह प्लांटों को सजाना संवारना। ये मेरा जेट प्लांट है सामने से। इसकी भी मुझे कटिंग करनी है।
अब ये दिखाती हूँ मैं आपको, एक ये तुलसी का प्लांट है, मैं नैनीताल से लाई थी नन्ना सा, अभी इतना बड़ा हो गया एक महीने में। अब मैं फटाफट जला के मुझे मंदिर जाना है, फिर आके पूजा करनी है और चांद की भी पूजा। मेरे प्लांटों को देखकर बोर तो नहीं हो गए हैं, लेकिन नहीं मैं बोर नहीं होती, मैं जितनी बार देखूं मुझे उतनी बार अच्छा लगता है। जितना मुझे अच्छा लग रहा है मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। अब मैं चलती मंदिर की ओर। यह आप लोगों को विदित होगा कि देव दीपावली को दिवाली से बढ़कर मनाया जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है जबकि दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। देव दिवाली की शाम को भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा कहते हैं कि करनी चाहिए। देव को फूल फल दूध चढ़ाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए, और शाम को नदी के तट पर और मंदिर में दिए जलाए जाते हैं, 5, 10, 11, 21, 51, जितनी आपकी श्रद्धा है। ज़रूरी नहीं है, चाहो तो घर पे भी कर सकते हैं, बस मेरा मन किया मैं चली आई, थोड़ा लेट हो गई, कोई गेस्ट आ गए थे, तो बस मुझे यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिलता है। और इस बार गुलाब के फूल मुझे इतने मिल गए, पहले मंदिर में मैंने सारे अपने भगवान को चढ़ाया, हर भगवान को चढ़ाया, फिर और इतने मैंने बचा के रखे, तो ये मंदिर के लिए बचाई, हर इस यहाँ भी मैं हर भगवान देवता को देवी को चढ़ाया। तिल की तेल का दिया बनाया, ये देखिए महादेव कितने सुंदर लग रहे फूलों से ढके हुए, बस निहारते ही रहने को मन कर रहा था। यहाँ बैठ के मैंने आराम से जाप भी किया, कितनी माला की मैंने, बस ये सामने बैठ गई यहाँ पे, फिर जाप किया। मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि साईं जी की अपने घर में सारी खंडित मूर्तियाँ लोगों ने यहाँ पे क्यों रखी है, कोई उन्हें मना क्यों नहीं करता है। उन्हें घर में परेशानी है तो यहाँ पे रखने का मतलब मैं समझ नहीं पाई। मंदिर में कौन रखता है खंडित मूर्ति जब उनके घर में नहीं रख सकते, तो कैसे लोग जो अपने खंडित मूर्ति वो भी भगवान को भी बदलते रहते हैं। ऐसे मंदिर के अंदर कौन रखता है? भगवान सद्बुद्धि देने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुवर विमल सुजो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके संग रो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार, सियावर रामचंद्र प्रभु शरण। Thank you.
सोचा देना सोना, हम तो माफी मातिर ना एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने लाज बचाने वाली सतियों की हम सब उतारे तेरी आरती, अंबे तू है जगदम्बे जय दुर्गे खप्पर वाली। देखिए पूर्णमासी की रात को पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाना चाहिए। पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला ली। कार्तिक पूर्णिमा से के दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है ये कहा जाता है, इसलिए दिया जला। ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, इसमें भी एक दिया जलाया। ये केले का वृक्ष है, केले के वृक्ष में भी एक नीचे दिया दिया। जय भगवान बृहस्पति देव। एक धूप रख लिया, एक धूप रख लिया यहाँ पे। धन्यवाद, शुक्रिया भगवान, फिर से मैं आपके द्वारे आई और दिया जलाया, ऐसा ही मौका फिर देना, सद्बुद्धि शांति। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को मेरा वीडियो पिछला वाला दिवाली वाला बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और ये कैसा लगा ये बताने की, तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया क्योंकि मैं पहले सोचती नहीं हूँ कि मुझे बनाना है, बस उसी वक्त मुझे सोचना है और बनाना है। पहले से सोचती तो बहुत अच्छा बनता। कुछ कहते हैं कि मुझे आपका पूजा वाला वीडियो बहुत पसंद आता है, और कुछ कहते हैं कि मुझे योगा वाला। मुझे पूजा करना और योगा करना दोनों ही पसंद है, और दोनों में ही मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं यही ज़्यादा करती हूँ। और मैं तुलसी के पास और शमी के पास दिया जलाया। बस घर के बाहर भी मैंने कुछ दिए रख लिए, निहारिका के रूम के बाहर। अब ये निहारिका, पूर्णमासी में तुझे याद करती हूँ, तुम होती तो शंख बजाती, हमसे तो बसता भी नहीं है, हमें तो शंख बजाना आता ही नहीं। और वो देखो पूर्णमासी का चाँद तो सुंदर लग रहा था, इतना बड़ा दिख रहा था, इस बार मेरे मोबाइल से फ़ोटो खींची है। ये देखो मेरे फ़ोन से कनिका ने खींचा पूर्णमासी का चाँद।